कहानी की स्टार्टिंग एक सपने से होती है जिसमें एक पांडा खुद को योद्धा के रूप में देखता है जो बहुत ताकतवर था पर सपने में, और उसके सामने कुंफू के जाबाज पांच ने भी घुटने टेक दिए थे। तभी उसका सपना टूट जाता है और हमें वो पांडा दिखाया जाता है जिसका नाम पू था। दरअसल वो बहुत बड़ा फैन था उन कुंफू के जाबाज पांच का। उसका भी बहुत मन था कुंफू का, पर अफसोस कि वो कुछ कर नहीं सकता था। उसके डैड जो कि एक बत्तख थे, उनका सेवैयों का सपना था और वो अपने बेटे पू को भी इसमें शामिल करना चाहते थे। यहाँ पू झूठ बोलता है कि उसे सेवैयों का सपना आया था क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होती थी अपने डैड को सच बोलने की। सेवैयों का नाम सुन के उसके डैड बहुत खुश हो जाते हैं और उसे अपने बिजनेस में शामिल करने की बात करते हैं। अब हमें मास्टर सीफू दिखाए जाते हैं जो उन लाजवाब पांच के मास्टर थे जिन्होंने उन्हें तालीम दी थी। तभी उन्हें ग्रैंड मास्टर उगबे बुलाते हैं और वहाँ वो बोलते हैं, मुझे लगता है ताईलैंग वापस आने वाला है। ये सुन के मास्टर सीफू के सामने फ्लैशबैक की झलक आती है और वो घबरा के जैंग को वहाँ भेजते हैं और बोलते हैं उन्हें बोलना उसे और बेड़ियों में बांध दे ताकि वो छूट ना पाए। अब इस पॉइंट पे ग्रैंड मास्टर उगवे बोलते हैं, इसका एक ही रास्ता है, ड्रैगन पुलिंदा। दरअसल ड्रैगन पुलिंदा उसी को दिया जा सकता था जो ड्रैगन योद्धा बनने के काबिल था। यहाँ पू को पता चलता है गुरु उगबे आज ड्रैगन योद्धा चुनने वाले हैं। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सबके साथ निकलने वाला होता है। तभी उसके डैड टोकते हैं और सेवैया देखकर बोलते हैं, वहाँ ये सब बेच देना। यहाँ फिर पू अपने डैड को कुछ बोलने की कोशिश करता है पर बोल नहीं पाता। अब पू को जहाँ जाना था वहाँ की सीढ़ियाँ देख के उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब पू ऊपर सेवैयों के साथ जाने की कोशिश करता है पर 6 सीढ़ियाँ ही क्रॉस कर पाता है, पर वो हार नहीं मानने वाला था इसलिए सेवैया वहीं छोड़ के वो ऊपर निकल जाता है। पर जब वो फाइनली ऊपर पहुंच जाता है तब वहां का गेट बंद हो जाता है। यहां गुरु उगबे मास्टर सीफू से बोलते हैं, मैं जिसे भी चुनूंगा वो सिर्फ घाटी के लिए नहीं तुम्हारे लिए भी शांति लाएगी। यहाँ पू बहुत कोशिश करता है अंदर जाने की, कभी सैड होके बैठ जाता कभी झांकता पर कोई फायदा नहीं होता। तभी वो देखने के चक्कर में पटाखों के ऊपर गिर जाता है और उसे एक आइडिया आता है। वो एक चेयर में खुद को बांधकर हर तरफ पटाखे लगा देता है। दूसरी ओर गुरु उगबे को महसूस हो रहा था ड्रैगन योद्धा उनके बीच ही है, वो बस चुनने ही वाले थे ड्रैगन योद्धा को। यहाँ पू के डैड आ जाते हैं और सारे पटाखे को बुझा देते हैं। अब जाकर पू अपने डैड को सब सच बता देता है कि उसे ड्रैगन योद्धा देखना है और उसे पसंद है कुंफू। पटाखे ठीक से बुझे नहीं थे, अचानक वो उड़ने लगता है और आसमान में जाकर फट जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तब वो देखता है गुरु उगबे उसकी ओर उंगली करके थे। वो इस हरकत के लिए माफी मांगता है। तभी टाइग्रेस बोलती है, मास्टर क्या आपकी उंगली मेरी तरफ है? पर उनकी उंगली पू की तरफ थी और उसे वो ड्रैगन योद्धा घोषित कर देते हैं। ये सुन के सबके सब सदमे में चले जाते हैं, यहाँ तक कि खुद पू भी। किसी को यकीन नहीं होता ये हो क्या रहा है। सबसे ज्यादा सदमा तो मास्टर सीफू को होता है। वो गुरु उगबे से बात करने भी जाते हैं और बोलते हैं, वो बीच में आ गया, ये तो बस एक हादसा था। पर गुरु उगबे बोलते हैं, कोई हादसे नहीं होते। सो, अब हमें जैंग दिखाया जाता है जो ताईलैंग को देखने आया था। उसे अंधेरे में गुप्त तरीके से जंजीरों में बांध के रखा गया था जहां वो पहरेदार उसकी पूंछ को दबा के उसे उकसाता भी है, पर जैंग उसे ऐसा करने से मना करता है। अब वो उसे देख के निकल जाते हैं पर तभी ताईलैंग के पास जैंग का पंख गिर जाता है जिसे वो अपनी पूंछ से ले जाता है। दूसरी ओर पू को योद्धा के पवित्र रूम में लाया गया था जहां वो सारे योद्धा की चीजों को देख के खुश हो जाता है और लास्ट में वो आत्माओं के पवित्र कलश को देखने जाता है और उसे लगता है उसके अंदर जो आत्मा है वो उससे बात कर रही है। पर उसके पीछे मास्टर सीफू थे जिसे देख वो घबरा कर आत्माओं के कलश को तोड़ देता है। अब मास्टर सीफू बोलते हैं, तो तुम ड्रैगन योद्धा हो, तुम ड्रैगन योद्धा कभी बन नहीं सकते जब तक तुम्हें ड्रैगन पुलिंदा का राज ना पता हो। पू फिर उनसे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां कुछ मांगता है पर वो इस बात पे गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ वो पू का उंगली पकड़ लेते हैं जिससे पू डर जाता है और बोलता है, उसी उंगली की पकड़ मुझे मत दिखाइए। दरअसल ये एक कुंफू का पार्ट था जिसे गुरु उशी ने तीसरे वंश पे बनाया था। अब मास्टर सीफू पू को उस जगह ले जाते हैं जहाँ जाबाज पांच कुंफू प्रैक्टिस किया करते थे। पहले मैं इन जाबाज पांच का नाम रिवील कर दूं। सो, पहली है टाइग्रेस,
मेंटिस, मॉन्की, वाइपर और क्रेन, जिन्हें जाबाज पांच कहते हैं। सो अब मास्टर सीफू पू का कुंफू देखना चाहते थे, पर वो इतने खतरनाक चीजों पे अपना कुंफू नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो बच्चों को सिखाने वाले टॉय पे अपना कुंफू आजमाता है, जिस पे एक मुक्का मार के खुद ही वो खाई में गिर जाता है, जहां उसे जाबाज पांच के खतरनाक प्रैक्टिस करने वाली चीजों पे मार खाना पड़ता है। कुंफू का के भी नहीं करता और जल भून के रेंगते हुए वापस आ जाता है। यहां जाबाज पांच रास्ते में पू की इंसल्ट करते हैं और बोलते हैं गुरु भी कैसे उसे योद्धा चुन सकते हैं। पू ये सब सुन लेता है। अब रात हो गई थी। पू धीरे धीरे अपने रूम की ओर जा रहा होता है, पर चलने की आवाज के कारण जल्दबाजी में वो क्रेन के रूम में घुस जाता है। वो क्रेन के साथ बहुत बकबक करता है और बोलता है कि वो कमाल का है, पर क्रेन उसे घुमा फिराकर यही बोलता है कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, ये मेरा कमरा है। ये सुन के पू सॉरी बोल के निकल जाता है। अब उसे टाइग्रेस अपने कमरे से निकल कर बोलती है, तुम यहाँ नहीं रह सकते, कुंफू के नाम पे धब्बा हो तुम, थोड़ी सी भी शर्म है तो यहाँ से निकल जाओ। ये बात पू को बहुत बुरी लगती है और वो एक पेड़ के पास जाकर सैड होके बैठ जाता है। दरअसल वो फल खा रहा था और वो तभी ज्यादा खाता था जब वो बहुत सैड होता था। ये चीज गुरु उगवे को पता लग गई थी। वो बोलते हैं, तुम इस बात की टेंशन मत लो, कल क्या होगा या आने वाले कल में क्या होगा, जो आज चल रहा है वही सब कुछ है। वो उसे मोटिवेट करते हैं। दूसरी ओर ताइलंग एक पंख से खुद को आजाद कर लेता है और यहाँ बहुत मस्त सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो जैसे तैसे ऊपर आता है बड़े बड़े पत्थर पे छलांग मारते हुए और सारे पहरेदारों की ऐसी तैसी कर देता है। लास्ट में वो धमाके से उस जगह को उड़ा देता है और जैंग को पकड़ लेता है, जो कि बहुत डरा हुआ था। वो उसे संदेश देने को बोलता है मास्टर सीफू को कि असली ड्रैगन योद्धा आ रहा है। अगली सुबह मास्टर सीफू जाबाज पांच के पास आते हैं। सब अपने रूम से बाहर आ जाते हैं, सिर्फ पू नहीं आता, और जब मास्टर सीफू उसके रूम को चेक करते हैं तो वो वहाँ नहीं होता। यहाँ उन्हें लगता है पू डर के भाग गया है, इसलिए वो खुश हो जाते हैं। पर जहाँ उनकी प्रैक्टिस होती थी वहाँ उन्हें पू मिल जाता है, पर पू वहाँ फंस गया था। क्रेन उसे निकालता है। अब मास्टर सीफू पू का कुंफू देखना चाहते थे जाबाज पांच के साथ। सो अब वो सबसे एक एक करके पिटता है, वाइपर से, मॉन्की से, क्रेन और मेंटिस से भी, पर लास्ट में वो तो मास्टर सीफू से भी पिट जाता है, वो भी बहुत बुरी तरह, और मास्टर सीफू उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देते हैं। पर पू हार मानने वालों में से नहीं था। अब रात हो गई थी, पू वापस आ गया था। यहाँ मेंटिस पू का इलाज कर रहा था आईक्यू पंचर से, ताकि पू को अच्छा फील हो। अब यहाँ टाइग्रेस उसे एक स्टोरी सुनाती है मास्टर सीफू और टाइलंग की, क्योंकि अगर उसे यहाँ रहना है तो उसे हकीकत का पता होना चाहिए। सो बहुत पहले मास्टर सीफू को ताइलंग एक बच्चे के रूप में मिला था, तब वो बहुत खुश रहा करते थे, और जब उन्होंने ताइलंग के अंदर कुंफू का हुनर देखा तो वो उसे तालीम देने लगे। पर ताइलंग का एक ही मकसद था, ड्रैगन पुलिंदा हासिल करना और ड्रैगन योद्धा बनना। पर मास्टर उगवे ने उसके अंदर कालापन देखा और ड्रैगन पुलिंदा देने से मना कर दिया, जिस कारण ताइलंग ने पूरी घाटी में तबाही मचा दी और जबरदस्ती पुलिंदा लेने की कोशिश की। मास्टर सीफू उसे मारने गए पर मार नहीं पाए, पर गुरु उगवे ने उसे रोक लिया और बेहोश कर दिया। उसके बाद से उन्होंने कभी भी किसी को उतना प्यार नहीं दिया जितना उन्होंने ताइलंग को दिया था। अब वो बोलती है उनके पास मौका है अब चीजों को सुधारने का, पर अब उन्हें तुम मिल गए हो, जिसे हर चीज मजाक लगता है। तभी पू को कुछ हो जाता है, मेंटिस ने उसकी नस दबा दी थी गलती से। यहाँ हमें मास्टर सीफू को दिखाया जाता है जो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहाँ जैंग आ जाता है। उसे देख उन्हें लगता है अब उन्हें अच्छी न्यूज मिलेगी, पर अगले ही सीन में मास्टर सीफू दौड़ के गुरु उगवे के पास जाते हैं ये बुरी खबर देने के लिए कि ताइलंग छूट गया है। ये सुन के वो भी थोड़ा सोचने लगते हैं और पांडा की बात करते हैं, पर मास्टर सीफू ये सुन के गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं वो बस एक हादसा था, वो पांडा को योद्धा नहीं है, ना ही वो बन सकता है। पर गुरु उगवे मास्टर सीफू को समझाते हैं कि बस तुम्हें उसे राह दिखानी होगी, उसकी परवरिश करनी होगी, बस तुम उस पे विश्वास करो। वो उससे प्रॉमिस लेते हैं कि वो पू पे विश्वास करेंगे। अब गुरु उगवे का जाने का वक्त आ गया था
वो मास्टर सीफू को अपना स्टिक देते हुए बोलते हैं, अपना सफ़र जारी रखो, और जाने से पहले बोलते हैं, तुम्हें यकीन करना होगा। फिर वो हवा में कहीं खो जाते हैं। दूसरी ओर पू अपने दोस्तों के लिए नूडल्स बनाता है। दरअसल अब वो सब अच्छे दोस्त बन गए थे और सब तारीफ करते हैं पू के नूडल्स की। यहाँ पू मास्टर सीफू का एक्ट करता है और मजाक मस्ती चलती है, पर पीछे से मास्टर सीफू आ जाते हैं और उन सब पे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ताइलंग वहाँ से आजाद हो गया है और तुम लोग अभी भी मजाक के मूड में हो। यहाँ वो गुरु उगवे की भी बात करते हैं कि वो नहीं रहे और अब सिर्फ ड्रैगन योद्धा ही ताइलंग को हरा सकता है, यानी कि पू। पर इतनी देर में पू वहाँ से गायब था। पू भाग जाता है पर उसका रास्ता मास्टर सीफू रोक लेते हैं और यहाँ उनकी बात होती है। दरअसल पू को फर्स्ट टाइम से ही पता था कि मास्टर सीफू उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसने कभी भी हार नहीं मानी क्योंकि वो खुद को एक नया पहचान देना चाहता था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था आखिर वो है कौन। मास्टर सीफू बोलते हैं, मैं तुम्हें बदल सकता हूँ एक ड्रैगन योद्धा में, पर पू उनसे पूछता है कैसे, और इसका आंसर वो नहीं दे पाते। ऊपर से टाइग्रेस सब देख रही होती है और वो वहाँ से छलांग लगा देती है। दरअसल वो ताइलंग के पास जा रही थी अकेले ही फाइट लेने, पर उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और वो उसका साथ देने जा रहे थे। यहाँ मास्टर सीफू सैड थे। वो जाबाज पाँच के रूम में जाते हैं जहाँ से आवाज आ रही थी। वहाँ उन्हें पू दिखता है जिसने पूरी जगह का ऐसी तैसी कर रखी थी। अब वो उसे बोलते हैं, मुझे लगा मॉन्की है। वो अपने बिस्किट के डब्बे ऊपर रखता है। ये बोल के वो जाते हैं और आवाज सुन के तुरंत वापस आते हैं। और अब पू 10 फीट ऊपर पहुंच चुका था और उसने कमाल का संतुलन बना रखा था। ये देख मास्टर सीफू तो हैरान हो जाते हैं और उन्हें आइडिया मिल जाता है कि पू को ट्रेनिंग कैसे देनी है। वो पू को अपने साथ चलने को बोलते हैं। अब एक पहाड़ी से होते हुए वो पू को ऐसी जगह ले आए थे जहाँ कुंफू का जन्म हुआ था। मास्टर सीफू बोलते हैं, तुम सीखना चाहते हो कुंफू, तो अब से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। ये सुन के वो रोने लगता है। अब पू को सिखाने के लिए वो बहुत सारे मोमोस लाए थे, खाना दिखा दिखा के उसे ट्रेनिंग देते थे। धीरे धीरे वो सब सीख रहा होता है। मास्टर सीफू के साथ उसकी फाइट भी होती है और अब पू जीत जाता है और यहाँ उसकी ट्रेनिंग खत्म होती है। दूसरी ओर जाबाज पाँच ताइलंग तक पहुँच गए थे। टाइग्रेस और ताइलंग की लड़ाई हो जाती है और वो टाइग्रेस को बुरी तरह मार के गिरा देता है उस लकड़ी के पुल से, पर क्रेन उसे बचा लेता है। वाइपर भी उससे लड़ पड़ती है, पर यहाँ वो लकड़ी का पुल टूट रहा था जिसे मैंटिस हैंडल कर रहा होता है। वो चारों मिलके ताइलंग का बहादुरी से सामना करते हैं और उसे रस्सी में बांध के पुल को काट देते हैं और मैंटिस उन्हें वापस ले आता है। पर ताइलंग हार मानने वालों में से नहीं था। वो उस रस्सी की हेल्प से उनके पीछे आके खड़ा हो जाता है और मॉन्की पे हमला करके उसे फ्रीज कर देता है। फिर सीन कट होता है। यहाँ मास्टर सीफू खुश थे क्योंकि पू ने आज बहुत अच्छे से ट्रेनिंग की थी। तभी वहाँ क्रेन बाकी सबको ले आता है जो कि फ्रीज हो चुके थे। मास्टर सीफू उन सबको ठीक करते हैं और बोलते हैं, वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। यहाँ पू डरता है उससे सामना करने से, पर मास्टर सीफू उसे हौसला देते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज होगी जिसके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। वो उसे ड्रैगन पुलिंदा तक ले जाते हैं और अपने कुंफू से ड्रैगन पुलिंदा को नीचे ले आते हैं और पू को बोलते हैं, इसमें बहुत ताकत है, तुम हर एक चीज की आवाज़ सुन सकते हो। पू ये सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बकबक फिर से स्टार्ट कर देता है। फिर मास्टर सीफू उसे ड्रैगन पुलिंदा देते हैं जिसे वो खोल तक नहीं पाता बहुत ट्राई करने के बाद भी। फिर मास्टर सीफू उसे वो खोल के देते हैं और जब पू उसे खोलता है तो ऐसे एक्ट करता है जैसे पता नहीं क्या हो गया और एंड में बोलता है, ये तो खाली है। मास्टर सीफू को यकीन नहीं होता और उन्हें वो देखने की परमिशन नहीं थी, पर वो मजबूरी में देखते हैं जो सच में खाली था। इस पॉइंट पे पू बोलता है, गुरु उगवे एक पागल बूढ़ा कछुआ था, उन्होंने सच में मुझे एक हादसे की वजह से चुना। पर मास्टर सीफू सैड हो गए थे और अब वो फैसला करते हैं कि ताइलंग से वो अकेले ही लड़ेंगे। इसलिए वो पू और बाकी सबको बोलते हैं, घाटी खाली करवा दो
और यहाँ से दूर चली जाओ। अब वो उनसे आखिरी अलविदा लेते हैं और वो लोग निकल जाते हैं। यहाँ पू सैड था, वो अपने डैड के पास जाता है। वो पू को दोबारा देख के बहुत खुश होते हैं और पू को फिर से अपने सेवैयों की जॉब पे शामिल करने की बात करते हैं। पर पू को दुखी देख वो उसे एक राज की बात बताते हैं जो वो उसे हमेशा से झूठ बोलते आए हैं। दरअसल वो बोलते थे, मैं अपने सेवैयों या नूडल्स में एक खास सामग्री डालता हूँ जिससे वो और स्वादिष्ट हो जाती है। ये चीज़ बिल्कुल झूठ था, वो कुछ भी नहीं डालते थे। कुछ खास होने के लिए बस यकीन होना चाहिए कि वो खास है। ये बात सुन के पू ड्रैगन पुलिंदा को देखता है। दूसरी ओर मास्टर सीफू के पास ताइलंग आ गया था और उनके बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ताइलंग को इस बात का गुस्सा था कि सीफू सिर्फ गुरु उगवे की बात मान के उसे ड्रैगन योद्धा नहीं बनाए। उनकी लड़ाई बहुत बुरी तरीके से होती है। ताइलंग गुरु उगवे के स्टिक को तोड़ देता है और मास्टर सीफू की बहुत बुरी हालत कर देता है। तभी वहाँ पू आ जाता है और ये सुनने के बाद कि पू एक ड्रैगन योद्धा है, ये सुन के वो हंसता है। पर पू ड्रैगन पुलिंदा दिखा के उसे लालच देता है और ताइलंग पू के सामने टिक नहीं पाता। यहाँ से उनकी लड़ाई स्टार्ट होती है। पू को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो इंजॉयमेंट के साथ ताइलंग से लड़ाई करता है और ताइलंग पुलिंदा लेने के चक्कर में उससे पिट जाता है पर उसे मार ही नहीं पाता। पर एक टाइम पे वो पू को मार के जमीन पे गिरा देता है और ड्रैगन पुलिंदा ले लेता है। पर जब खोलता है तो उसमें कुछ ना पाकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो पू को फ्रीज करने की कोशिश करता है पर वो हंसता है क्योंकि उसे गुदगुदी लग रही थी। अब यहाँ भी उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पू उसे कपड़े की तरह धोता है और आसमान में उड़ा देता है जिससे वो जमीन में आ गिरता है। यहाँ ताइलंग बोलता है, तू मुझे नहीं हरा सकता। तभी पू उसकी उंगली पकड़ लेता है और ताइलंग बोलता है, उसी उंगली की पकड़, सीफू ने तुम्हें ये नहीं सिखाया होगा। पू बोलता है, नहीं मैंने खुद सीख ली। और यहाँ ताइलंग की वाट लग जाती है। घाटी के सब लोग पू से बहुत खुश होते हैं। उसके डैड भी खुशी से चिल्लाते हैं, ये मेरा बेटा है। अब यहाँ चावाच पाचा कर पू के सामने घुटने टेक देता है जो कि उसने सपने में देखा था। तभी उसका ध्यान मास्टर सीफू पे जाता है, वो दौड़ के उनके पास जाता है। यहाँ मास्टर सीफू ठीक थे, ये सुन के वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि पू ने ताइलंग को हरा दिया। और दूसरी तरफ उन्हें यकीन नहीं होता कि पू ने उसे हरा दिया। अब पू भी उनके साथ आराम करता है क्योंकि मास्टर सीफू की हालत ठीक नहीं थी, पर वो अपना बकबक कंटिन्यू रखता है। और यहाँ कहानी खत्म। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।